ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। ये 50 करोड़ के हीरे इस इलाके में हमारी कार्रवाई की आखिरी किस्त, क्योंकि पुलिस को हमारी कार्रवाई पर शक हो चुका है, इसलिए हम आज के बाद ये वीरान किला छोड़ रहे हैं और नई जगह के बारे में आप सबको बता दिया जाएगा। अब आप लोग अपनी अपनी लिस्ट के मुताबिक ये हीरे लेकर किनारे पर पहुंच जाएं। से घिर गए हो, अपने अपने हथियार फेंक दो, खबरदार। हीरों के पत्तों से पीछे हट जाओ, जल्दी भागना मत, वरना गोलियों से खून दिए जाओगे। रिकॉर्डर चल रहा था, जो मार दी जाएगी। ये वहां पत्थरों के पीछे पड़ा हुआ था। यार फेंक दो, तुम लोग चारों तरफ पुलिस से। हमारे सारे हीरे गायब हैं। धोखा, जबरदस्त धोखा। ये किसकी हिम्मत है जो हमारे साथ ऐसी चाल चले? वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आओ मेरे साथ चलो। पुलिस आ रही है, पुलिस। हाँ?
आगे तुम पीछे से, मतलब धनराज। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं बोट लेकर समंदर में निकल जाता हूँ, तुम इन सब आदमियों को लेकर जंगल में छुट जाओ। लेकिन हीरे, हीरे सिर्फ इसी तरह बच सकते हैं, जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं। कल मैं तुम्हारे होटल ब्लू हेवन में इंतजार करूंगा, वही मिलेंगे। यही है वो नकली पुलिस वाले, इन्हीं के पास है हमारे हीरे, पकड़ो इन्हें, मारो इनको। जब जय सिंह, जब जेल में चक्की पीसोगे तो मालूम पड़ेगा कि हम असली हैं ये नकली। अगर तुम असली हो तो वो कौन थे? वो कौन? वो जो हमारे हीरे ले गए। पता नहीं चला, लगता है वो माल लेके भाग गया। Thank you.
संसार है धन के बिना मगर जीना बेकार है। ओ धन राजा सामने आ जा, कहाँ छुपा है प्यारे। गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, ढूंढे गम के मारे। गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, ढूंढे गम के मारे। ओ धन राजा सामने आ जा, ओ धन राजा सामने आ जा, ओ धन राजा सामने आ जा, कहाँ छुपा है प्यारे। गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, ढूंढे गम के मारे। गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, किस्मत की तिजोरी टूट गई, किस्मत की तिजोरी। चोरों के घर हो गई चोरी, चोरों के घर हो गई चोरी। तूने ऐसा हाल किया है, हम सबको कंगाल किया है। तूने ऐसा हाल किया है, हम सबको कंगाल किया है। छूट गया घर बार हमारा, बन गए हम बंजारे। गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, ओ तूने ऐसी चोट लगाई, तूने ऐसी चोट लगाई। वो टूट गया दिल राम दुहाई, टूट गया दिल राम दुहाई। खाना पीना भूल गए हम, मरना जीना भूल गए हम। खाना पीना भूल गए हम, मरना जीना भूल गए हम। जोगी बन के अब तो हम फिरते हैं द्वारे द्वारे। गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, ढूंढे गम के मारे। गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती, तन मन सब तेरे
हमारे पन ये तन मन सब तेरे अर्पण दे अपने भक्तों को दर्शन दे अपने भक्तों को दर्शन बोल कहाँ है वो हम जोली भर दे सब यारों की झोली खेलना हमसे आम झोली खेलना हमसे आम झोली खेलना हमसे आंख मिचोली तू जीता हम हारे गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती तूने गम के मारे ओ धन राजा सामने आजा ओ धन राजा सामने आ जा कहाँ छुपा है प्यारे गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती ढूंढे गम के मारे गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती गुलशन गुलशन बस्ती बस्ती सीटी अपने मुंह से बजा रहा हूं तेरे बाप के मुंह से नहीं बाप तक पहुंचते साले आपस में झगड़ा करेगा तो गैला माल कभी वापस नहीं मिलेगा छी 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 वेस्टिंग योर मैन पावर इस एक को क्यों बचा रखा तोड़ दो इसे भी हाँ तोड़ दूंगा इस बोतल को क्या मैं इन दीवारों को इस मकान के क्या कीट को तोड़ दूंगा इतनी ताकत है मुझमें मेरे प्यारे भतीजे ध्यान रखो अगर तुम अपनी ताकत का इसी तरह गलत इस्तेमाल करते गए ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे खूबसूरत थोबड़े पर मक्खी बैठेगी और तुम उड़ा नहीं सकोगे और तुम सब लोग इस बात का ध्यान रखो कि इस तरह की बेकार हरकतें करने से अपनी खोई हुई दौलत कभी वापस नहीं मिलेगी हम तुम्हारा बात भी सुन सुन के देख लिया मैन कोई फायदा नहीं मैंने एक आदमी का पता लगाया है जो धनराज का बहुत पुराना दोस्त कौन है वो कहाँ रहता है क्या नाम है उसका बताते क्यों नहीं कौन है वो कहाँ रहता है इसी शहर में चोर बाजार में पुराना और चोरी का माल खरीदता है दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है लोगों के पास खाने को नहीं जेवर कौन खरीदेगा ऐसी बात है तो जाने दो लेकिन इस वारा हमारा पुराना धंधा है इसलिए खरीद लेता हूँ 300 दूंगा 300 दूंगा ये सोने का हार है पीतल का नहीं अरे पीतल का नहीं लेकिन चोरी का चोरी अरे तुम्हारे दुकान में साहूकारी का माल बेचते ही कौन आता है ये सब चोरी का ही तो है ये सही तुम अपनी बात करो 50 रुपए और दे दूंगा 500 रुपए देने हो तो दो नहीं तो मैं चला 450 ले लो 100 कंजूस मरे तो एक जानकी दास जी पैदा हुए 400 रुपए फैसला करना है आपको अच्छा बाबा लाओ तुम बहुत जिद्दी हो 300 रुपए है बाकी अंदर से लेकर आता हूँ धनराज कहाँ है मुझे क्या मालूम बताओ लेकिन लेकिन आप लोगों को उससे क्या काम है वो हराम ज्यादा हमारे 50 करोड़ के हीरे लेके भाग गया मन ना हो कहाँ है धनराज कमान बड़ा मैन
वरना हम तुम्हें रिवॉल्वर से शूट कर देगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। किसे मालूम है? उसका पता बतलाओ। पिता गोले मार दो। बता दो उसकी बेटी को मालूम होगा। हेलो, नाम बताओ। अज्जू। और अगर ये बात झूठ निकली तो मुझे जान से मार देना। सुनो, धनबाद की हर खबर हमें मिलनी चाहिए। हमारा आदमी तुमसे लगातार मिलता रहेगा और ध्यान रखो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मुझे छोड़ दो। कमान बॉस। Thank you.
कुत्ता कहीं का, धोखेबाज। कैसे मैं योगा करती हूँ नी, और बेबी दिखेगा 6 महीने के बाद, देखना। अरे व्हाट ए ब्यूटीफुल हट, ये तो कोई खानदानी हट मालूम होती है। तुम्हारा डैडी किधर पैदा हुआ ने, अभी क्या करता है ने, अभी किधर? आप मेरा इंटरव्यू लेने आए कि मेरे डैडी का? हाँ, आउट, नॉट आउट, अभी तो इंटरव्यू शुरू हुआ ना बेबी। अच्छा, तुम्हारा फुटबॉल का गेम कबड्डी का अखाड़ा कैसे बन गया? वो ढंडी क्या थी? वो हरामजादी फाउल कर रही थी। वेरी गुड, ये तो मेरे गिल्ली डंडा अखबार की हेडलाइन बन सकती है। वो हरामजादी फाउल कर रही थी, फिर क्या हुआ? फिर मैं बॉल लेकर आगे बढ़ी। वेरी गुड, मुझे एक दिस इज नॉट गुड। फिर मैंने उसे गला पकड़ के उठाया और फिर मैंने उसे पकड़ के घुमाया और फिर क्या? रश मार डरेगी क्या? अरे तुम्हारी आवाज मर्दानी कैसे हो गई? अरे हाँ, मेरी आवाज मर्दानी कैसे हो गई? अरे नहीं, मेरी आवाज मर्दानी कैसे होगी? आजकल मर्दानी जनानी हो रही है, जनानी मर्दानी हो रही है। दुनिया बदल रही है ना, बदलती दुनिया पे मैं तुम्हारे को एक कहानी सुनाती हूँ। कोई कहानी नहीं सुनी, मतलब की बात करो। ये छोटा सा जोक सुना दे रही हूँ। अंजू, कम इन। अंजू, अंजू, तेरा खाता है? अरे घर पर आ। अरे अभी तक इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ? अरे अभी चालू, किधर हुआ है? मिसेस कैरमवुड वाला, मेरा भी एक फोटो लीजिए ना, मैं पोस्ट करूँ। हमारी आंखें जरा छोटी है, आंखें बड़ी करो, बड़ी करो। दिखता है? नहीं, नहीं दिखता ना। देखो दरवाजा इधर है, इधर है दरवाजा, जाओ कल दिखेगा। लव लेटर है क्या? हाँ, लव लेटर है मेरे डैडी का। डैडी का? अरे बेबी, मैं तो तुम्हारे डैडी की हैंड राइटिंग देख रही थी। व्हाट ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगर तुम्हारे डैडी ना होते तो मैं उनका हाथ चूम लेती थी। अब जल्दी पूछ लो जो कुछ पूछना है, मुझे जाने का है। अरे जाने वाले को जाना होगा, आने वाले को आना होगा। हाउ ब्यूटीफुल पेयर, तुम्हारे डैडी मम्मी की फोटो है क्या? हाँ, 2 साल की थी तो मम्मी गुजर गई, डैडी ने पाल पोस कर बड़ा किया। हाउ हैंडसम ही, बड़ा मजबूत आदमी है। ये 10 साल पहले मेरे को मिले होते तो मैं इनसे शादी कर लेती थी। अरे भुर्के में आदमी, अरे तू भी आदमी। अरे गड़बड़े, भागो 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 भागो। अरे उधर भी है। अरे मर गए, 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 म
प्यासे घोड़े की तरह पानी पे पानी ही पीता जाएगा, या कुछ मुंह से बोलेगा भी। क्या हुआ, क्या करके आए तुम वहां से? अपनी जान पे खेल के ये खत लेकर आया हूं। खत? किसका खत? उसी हरामजादे धोखेबाज धनराज का। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है, कुत्तों की तरह झपट पड़े तुम। लाओ लाओ लाओ, ये चाहता तुम्हारे टुकड़े करके गटर में डाल दूं। इसी तरह आपस में लड़ते रहोगे तुम लोग। वेस्ट योर एनर्जी, वेस्ट योर मैन पावर। हाँ बेटी अंजू, सारा हरामी कुत्ता। हाँ तुम करे, धनराज को बोला आज वक्त मिला तो मैं तुम्हें खत लिख रहा हूं। मेरे दूसरे खत का इंतजार करना, उसमें मैं तुम्हें लिखूंगा कि तुम मुझसे कब और कहां मिल सकती हो। लेकिन तब तक बहुत होशियार रहना, किसी भी नए या जरूरी आदमी से मेल जोल न बढ़ाना। तुम्हारा डडे। ये चिट्ठी किधर से आया मैन? क्या मालूम अंकल, कहो तो उसकी बेटी को उठा लाऊं। क्यों, क्या होगा उससे? हम उसे कहेंगे कि अपनी बेटी वापस आइए, तो हमारा माल हमारे हवाले करें। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। कहेंगे कहां जाके कहेंगे? सुनो, हमारे धंधे में बोलने की नहीं सोचने की ज्यादा जरूरत होती है। हम धनराज के दूसरे खत का इंतजार करेंगे। तो अब वो दूसरे खत का इंतजार कर रही है? हाँ, मगर गुरु दोबारा उस लड़की के पास मुझे नहीं भेजना, नकली, क्योंकि वो रामी धोबन है। उसने धो धो कर मुझे इतना निचोड़ा कि अब मैं जीने के काबिल भी नहीं रहा। अरे उल्लू, लड़की को जीतने से पहले हमेशा उसका दिल जीता करता है, समझा? समझा बच्चे। खैर कोई बात नहीं, एक बात नहीं, हाय हाय, अब ये काम मैं खुद करूंगा। हाय, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? चाय गरम, ठंडा, कॉफी? जी मेरा मतलब है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मेरी मदद ऐसे कर सकते जी कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। अरे मगर मैं तो आपको जानता हूँ। आपका नाम अंजू है, आप एसडी कॉलेज की छात्रा है, आप वहाँ के फुटबॉल टीम की कैप्टन है। बाय द वे मैंने आपका मैच भी देखा था, वो मैच मैच कम था, कुश्ती और दंगल ज्यादा थी। लेकिन आप... मैं शेखर आपके ही कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने सोचा आपसे कुछ बातचीत की जाए, बातचीत से वाकफियत बढ़ेगी, वाकफियत से जान पहचान बढ़ेगी, जान पहचान से दोस्ती बढ़ेगी। आप जैसों की दोस्ती से तो दुश्मनी अच्छी है। She's a doll. Hi, pretty eyes. Hi, अंजू। आप लोग? हम आपको मुबारकबाद देने आए। लास्ट फ्राइडे जो आपने मैच खेला, आपने कमाल कर दी। It was fantastic. तो अगर हम आपको डिनर पर इनवाइट करें तो आप मंजूर करेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप भी कमाल कर रहे हैं हुजूर। हाय तेरी मेरी, हाय हाय मेरी तेरी, हाय हाय तेरी मेरी दोस्ती हो गई, सारी दुनिया से दुश्मनी हो गई दुनिया से दुश्मनी हो गई, सारी दुनिया से दुश्मनी हो गई। दुश्मनी हो गई, दुनिया से दुश्मनी हो गई।
जो हम तुम मचलते हैं, ये देख के लोग जलते हैं। सड़कों पे अपने चर्चे, गलियों में अपने किस्से। सड़कों पे अपने चर्चे, गलियों में अपने किस्से। अरे दिल की लगी, हाँ हाँ दिल की लगी, दिल लगी हो गई, सारी दुनिया से दुश्मनी हो गई दुनिया से दुश्मनी हो गई, सारी दुनिया से दुश्मनी हो गई, सारी दुनिया से दुश्मनी हो गई। मरने का किसे गम है, ये बात कोई कम है, के प्यार भरी हाय हाय प्यार भरी जिंदगी हो गई सारी दुनिया से दुश्मनी हो गई दुनिया से दुश्मनी हो गई, हाय हाय तेरी मेरी दुश्मनी हो गई। ये साला शेखर कौन है? होएगा कोई रोड साइड रोमियो मजनू का औलाद। नहीं, मेरा ख्याल है वो लड़की को फांसने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी बाद में खतरनाक साबित हो सकता है, इसे फौरन मार डालना चाहिए। अरे जाजा, तू क्या मारेगा उसे? तू तो बुजदिल है, तुझे तो अपने साये से भी डर लगता है। तू टांग मत अड़ा जग्गू, ये अक्ल की बात है, मसल की नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम लोग जरा जरा सी बात पर कुत्तों की तरह क्यों लड़ने लग जाते हो। यू आर वेस्टिंग योर मैन पावर। मनो मनो बिल्कुल ठीक कहता है, रास्ते के पत्थर को हमेशा हटा देना चाहिए। ये शेखर आगे चलकर हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसे शेखर को मार डालना चाहिए। पीटर टाइम बम जल्दी लगा दो, बहुत देर हो रही है। पीटर शेखर आ रहा है, हरी अप मैन, हरी अप। अब जिंदगी और मौत में सिर्फ 4.5 मिनट का फासला रह गया है, फिर एक जोर का धमाका और उसके बाद तुम शेखर के टुकड़े जमीन पर गिरते हुए देखोगे। शेखर गाड़ी को रोको, पीटर तुम भी रोको। हेलो अंजू, हाय शेखर, कहाँ जा रही हो? हॉस्टल की तरफ। हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूँ? थैंक यू। थैंक यू क्या बात है, आओ। माय गॉड, ये कहाँ बैठ गई उसके साथ? अगर उस बंद के साजी लड़की में उड़ गई तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। पीटर ऐसे उस गाड़ी की हिफाजत रखो, कम ऑन कम ऑन मैन कम ऑन। उस दिन के बाद आज मिली हो और कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा। उस लड़की को हमें किस तरह बचाना ही पड़ेगा, हीरो तक पहुंचने का सिर्फ वही एक रास्ता है, वरना वो भी बंद हो जाएगा। शेखर
वही कौन? वो बुरके वाली। अरे नहीं, तुम नहीं समझोगे शेखर, गाड़ी जल्दी ले चलो। अरे मगर बात क्या है, हैं कौन लोग? मुझे मालूम नहीं, शायद मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे तो मैं अभी इनसे निपट लेता हूं। नहीं शेखर, यहाँ नहीं, यहाँ मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहती। कॉलेज में रिपोर्ट पहुँचेगी तो मेरी बदनामी होगी, प्रिंसिपल मुझे पहले वार्न कर चुकी है। अच्छा तुम्हें हॉस्टल पहुँचाने के बाद आकर इनसे निपट लेता, चलो। से तो दूर गई, मैं यहां क्या कर रहा हूं? बस रहने दो अंजू, जरा से जख्म के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दो और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। आज तुम ना होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। अंजू, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जानती हो तुम्हारी जान मेरे लिए कितनी कीमती है। चहलाती हूं। जवानी की रेल चली जाए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर में आया हूं और क्या कर रहा हूँ? अरे मेरे यार को किसने घायल किया? कौन है वो? अबे चुप। क्यों, पुलिस आई है क्या? नहीं बे, छुप जा जल्दी से, अंजू आई है किचन में। अंजू? अंजू? हाँ? वो पहलवान? हाँ? वो रेफरी मार। कहाँ छुपू मैं? कहाँ छुपू? अबे छुप जा उधर जल्दी कर। अरे तुम खड़े क्यों हो गए? बस ऐसे ही। क्या हुआ? बहुत गर्म है। मैं उधर। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? नैप के लेने जा रही हूँ। आप कितने चम्मच शक्कर लेंगे? नहीं। क्या हुआ? नहीं, शक्कर का शुक्रिया है, मैं शुक्कर को शक्कर लेता ही नहीं हूं। चम्मच? हाँ चम्मच। कमाल है, आज मुझे सब अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है? अरे वो तो लगेगा ही। क्या? मेरा मतलब है क्या हुआ? पहले मुझे ऐसे लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन देखा तो कोई भी नहीं, और अब ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे चम्मच दिया हो, लेकिन नीचे भी कोई नहीं है। हाँ होता है, परेशानी में सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है आज तो। परेशान तो मैं हूँ, न जाने वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अबे नहीं, अबे। अच्छी तस्वीरें, लेकिन बीच वाला बंदर कुछ अजीब सा नहीं है? अबे मेरा मतलब है कि इम्पोर्टेड तस्वीर है। इम्पोर्टेड? देखो तो। नहीं अंजू। तस्वीरें देखने? नहीं, बाहर चलते हैं कहीं। लेकिन चाय तो पी लो। बाहर जाकर ठंडा पी लेंगे, यहाँ बहुत गर्मी है। चल उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा,
यही कहा ना, समझ गया मैं, समझ गया, मगर मैं यहाँ कहाँ फंस गया, निकल बंदर की तो है। अंजू वो तो कहाँ थी? क्यों, एक आदमी तेरा कब से इंतजार कर रहा है? मेरा इंतजार? हाँ, लेकिन कौन है वो? मेरा नाम जानकी दास है जी, मैंने आपको पहले शायद डैडी के साथ देखा था। हाँ, मैं उनका दोस्त हूँ, तुम्हारे डैडी ने ये खत भेजा है। पर ये तो वो पोस्ट में भिजवा सकते थे, आपको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ये खत इसलिए मेरे पते पर भेजा था कि मैं खुद तुम तक पहुंचा दूं। बेटी जरा होशियार रहना, अजनबी लोगों से दूर रहना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। अटक जी, कल सुबह की फ्लाइट से तुम गोवा के लिए रवाना हो जाओ, लेकिन बगैर किसी को कुछ बताए हुए। गोवा एयरपोर्ट पर तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें मेरी कोई ऐसी चीज दिखाएगा जिसे तुम अच्छी तरह पहचानती हो, उसके साथ चली आना, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा, तुम्हारा डैडी। ओह माय गॉड, डोंट वेस्ट योर मैन पावर। क्यों हराम मौत मरना चाहता है? जिंदगी से तंग आ गया क्या? मुझे और मत मारो, मुझ पर रहम करो। भगवान ने मुझे रहम करने के लिए ही तो बनाया है, लेकिन ये मेरे साथी हैं ना, ये बड़े बेरहम फसाई हैं, सुनो, पेट्रोल छिड़कते हैं और जिंदा आदमी को भक्त छिड़वा देते हैं, चाकू से बोटियां बनाते हैं और सड़क पे फैला देते हैं। जिद मत करो, जिद मत करो, बतला दो, बतला दो उस खत में क्या लिखा था। मैंने खोल कर नहीं पढ़ा, मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुम पर एक बार विश्वास किया था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। तूने कहा था कि धनराज की सारी खबरें तो हम तक पहुंचाएगा, लेकिन ना, नहीं, नहीं। तूने धोखा ही दिया, तूने धनराज का खत ले जाकर उसकी बेटी को दे दिया। आखिर मैं पूछता हूँ कि धनराज से इतनी हमदर्दी क्यों? धनराज मेरा दोस्त है। क्या दोस्ती निभाई है इसने हमें? अब इस धोखे के बदले में तुम मुझे क्या देना चाहते हो? तुम जानो मेरी तरफ से कार्टन काम। भीषण, ये तो साफ हो गया, लेकिन उस खत का क्या होगा? खत भी आ जाएगा, वो ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकेगी। कहाँ जाओगी? बैग हमें दे दो। मैं नहीं दूंगी। लाओ। Thank you.
मुसीबतें डैडी के इस लेटर की वजह से हुई। इस लेटर की वजह से? क्या है इस लेटर में? कुछ नहीं, डैडी ने मुझे गोवा बुलाया है, पढ़ लो। नहीं अंजू, ये खत तुम्हारा है, किसी और को इसे पढ़ने का कोई हक नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? इससे पहले कि लेटर तुम्हारे लिए कोई दूसरी मुसीबत लाए, इसे जला देना ही बेहतर है। शेखर, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे मिल गए। और तुम मुझे मिलकर भी मुझसे दूर चली जा रही हो। मजबूरी है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं वहां जाके तुम्हें जरूर बुला लूंगी। बुला लोगी या भूल जाओगी? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कैप्टन किशोर, आपके डैडी ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा। ये लीजिए। अरे ये तो मेरे मम्मी का लॉकेट है। जी हाँ। डैडी कहाँ है? हाय डैडी। हेलो मेरी बेटी डार्लिंग, कैसी हो? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं डैडी, पर डैडी इतनी दूरी आइलैंड में आप कब से रहने लगे? चलो सब बताता हूँ, आओ चल चलते हैं। हमने तो बड़े शौक से ये घर बनाया है, अब देखें तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मुझे तो ये मिलिट्री कैंप लगता है डैडी, जहाँ देखो गार्ड्स खड़े हुए। बेटे ये इलाका बड़ा खतरनाक है, यहाँ के लोग जंगली हैं, पता नहीं किस वक्त क्या कर बैठे, लिहाजा हमने यहाँ अपने गार्ड्स रख छोड़े। और ये कैप्टन अशोक कौन है? ये कैप्टन अशोक हमारा सबसे वफादार आदमी है। यू आर रॉन्ग डैडी, ये आदमी कभी वफादार नहीं हो सकता। क्यों बेटे, ऐसी क्या बात है? बस कुछ अच्छा आदमी नहीं लगा। कोई बदतमीजी की उसने तुमसे? कुछ लोग बदतमीजी करते नहीं, लेकिन दूर से बदतमीजी की महक आती है उनसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय डॉटर अंजू। एक खुशखबरी और सुनिए, आज से हमारी बेटी इस जजीरे पर हमारे साथ रहेगी और इस मुकाम को निहायत ही खूबसूरत और दुनिया का सबसे मशहूर तरीन मुकाम बनाने में हमारी मदद करेगी। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। इसने हमारे दो आदमियों को जान से मारा। इस नीच कौम की ये मजाल कि मेरे आदमियों पर हाथ उठाए। रामजादे, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा, तेरी सारी कौम कभी भूल कर भी मेरे आदमी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। डैडी स्टॉप इट डैडी। कैप्टन, इसे छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दो। नहीं, ये मुजरिम है और इसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मुजरिम? क्या जुर्म किया है मैंने? क्या ये जुर्म है कि मैं अपने इलाके में आजादी से रहना चाहता हूँ? क्या ये जुर्म है कि तुम्हारे साथी मेरी बहू बेटियों की इज्जत पर हमला करते हैं और मैं उनका मुकाबला करता हूँ? मुजरिम मैं नहीं कैप्टन, मुजरिम तुम हो, तुम्हारे सब साथी हैं। कैप्टन, इस मामले में आप दखल मत दीजिए, ये बागी है, अगर आज इसका सर ना कुचवा गया तो कल सारी कौम सर उठाएगी। कैप्टन ठीक कहता है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मारो इसे, खत्म कर दो इसे, इसे जिंदा जला दो। गार्ड, जब तक ये मर नहीं जाता इसे कोड़े मारते रहो। Thank you.
इस कबीले की कसम, तेरे खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। ना सिर्फ गुलामी की जंजीरों को बल्कि उन तमाम हाथों सरों को काटकर फेंक दिया जाएगा जिसने हमें गुलाम बनाया। और आजादी की ये जंग आज और अभी शुरू होगी। नहीं हीरा नहीं, ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं। तो फिर कौन सा वक्त है ये? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का, बुजदलों की तरह जूम सहते रहने का? आज वो रहेंगे हम। नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते। नहीं भैया नहीं, तुम्हारे एक गलत कदम उठाने से सारा कबीला बर्बाद हो सकता है। उनके पास बंदूकें हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जिंदगी भर उन लोगों के जुल्म सहते रहें, अपनी माँ और बहनों की इज्जत लूटते हुए देखते रहें। आज गिरजा मरा है, कल कोई और मरेगा, और उसके बाद हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। हीरा, जब तक हमें बाहर से मदद नहीं मिल जाती, उस हद तक बूढ़ों और बच्चों की हिफाजत नहीं हो सकती। उनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। नहीं, जल्दबाजी मत करो, वरना हम सब लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अरे जमीन, ये बस्ती उन लोगों के हवाले करनी ही थी। इस कबीले को उन जालिमों का गुलाम बनाना ही था। तो बाबा ने मुझे पढ़ने के लिए शहर क्यों भेजा? ना मैं पढ़ता, ना मुझे समझ आती, और ना मैं आज जुल्म और गुलामी के खिलाफ कोई आवाज उठाता। बाबा को ये सब कहां मालूम था कि उनके कबीले के लोगों को ये दिन देखना पड़ेगा? धनराज का जहाज जब यहां आया तब बाबा बीमार थे। धनराज ने अपने साथ लाई हुई शहरी दवाइयों से उन्हें ठीक कर दिया। बाबा ने उसके इस एहसान के बदले उसे किले में रहने की इजाजत दे दी। बाबा के मरने के बाद उसने इसका नाजायज फायदा उठाया, और जब तुम यहां आए तब बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं पहले यहां आ गया होता, मुझे ये सब कुछ ना देखना पड़ता। दिल छोटा मत करो भैया, भगवान पर भरोसा रखो। बीते हुए दिन फिर लौटेंगे, हम फिर से आजाद होंगे। इस जजीरे पर फिर से खुशियों के गीत गाए जाएंगे, और तब मैं सोना से तुम्हारी शादी कर दूंगी। नहीं निशा नहीं, जब तक उन जालिमों को यहां से निकाल नहीं देंगे, और जब तक धनराज से मैं अपना बदला नहीं ले लूंगा, तब तक इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। तुमने कुछ खाया नहीं बेटी? मुझे भूख नहीं है। बात क्या है बेटी, तुम इतने अपसेट क्यों? मैं उस आदमी के बारे में सोच रही थी डैडी। किस आदमी के बारे में? वो कैदी जिसे कोड़ों से मारा जा रहा था। अगर वो घोड़सवार वहां वक्त पर नहीं पहुंचता तो कैप्टन तो उसे जान से मार। ये कैसा कानून है डैडी? ये जंगल का इलाका है, यहाँ कोई कानून नहीं है। लेकिन कैप्टन के मुंह से जो निकल जाए वो कानून है। आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। हाँ बेटी, ये गार्ड्स और ये आदमी सब कैप्टन के हैं, और उसी के इशारे पर काम करते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कैप्टन आपका वफादार है? अगर ये सब उसके आदमी हैं, तो वो किसी भी वक्त आपकी तमाम दौलत पर कब्जा कर सकता है। बेटे, ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता उसे अपनी ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता, और ऐसा वक्त आने से पहले मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। डैडी, आप अकेले इतने आदमियों का मुकाबला कैसे करेंगे? आप कोई ऐसा आदमी क्यों नहीं रख लेते जो वक्त आने पर आपका साथ दे? लेकिन यहाँ बाहर से कोई आदमी आ नहीं सकता। डैडी, मैं भी तो बाहर से आई हूँ। अरे तुम्हारी बात और है, तुम मेरी बेटी हो। डैडी, हो सकता है जो यहाँ आए वो आगे चलकर आपका भी कुछ। अच्छा, कौन है वो? है एक बहादुर और ईमानदार जिस पे हर तरह से भरोसा किया जा सकता है। क्या नाम है उसका? शेखर। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ बुलाया गया हूँ इसलिए आया। लेकिन मेरे पास तुम्हारे आने की कोई खबर नहीं। बैग में क्या है?
तुमसे मतलब? बैग खोल के दिखाओ, इसमें क्या है? खुद ही देख लो भाई। उठाओ, खुद खोल के दिखाओ, नहीं तो इसी तरह ठोकर मार के तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। उठाओ। यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच आ गए। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? चलो मैं तुम्हें डैडी से मिला देती हूँ। चलो चले। चल डैडी। डैडी ये है शेखर। वेलकम जेंटलमैन, वाकई तुम बहादुर हो। जी अब तो यकीन आ गया आपको। आपने इनकी बहादुरी कहाँ देखी? वो इन्होंने अखबार में पढ़ लिया होगा। कौन सा अखबार में? अरे वही जो इनके गले में लटका हुआ है। पर ये तो दूरबीन है। अरे भाई तुम नहीं समझोगे, दूध पीती बच्ची हो, क्या बात कर रही है। अंजू वाकई तुम्हारी पसंद पसंद के लायक है। शेखर तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। आओ बाहर चलो, हम तुम्हें अपने दूसरे साथियों से भी मिलाइए। आइए आओ।
मैं हूं तेरा भाई। नहीं, 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 निशा, 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 रुक जा निशा, नहीं निशा, मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़कर अपने हाथ गंदे मत करो, मुझे जाने दो, मुझे मर जाने दो, नहीं निशा, नहीं, मुझे बताओ कौन था, मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। तूने क्या किया? मेरे लिए यही एक रास्ता था जिंदगी के उजालों में ये दाग नहीं छुपा सकती थी, इसलिए इसलिए मौत के अंधेरों में जा रही हूँ। नहीं निशा, नहीं निशा, हाथ उन दरिंदों के खून से ही धुलेंगे। जानते हो ये खून किसका है? किसका है? जिस लड़की का हार तुम्हारे कान में है। वो जंगली लड़की बहुत खूबसूरत थी। ना, उसके बदले तू भी कुछ लेते जाओ। इससे हम निपट लेंगे। ठीक है, ये हमारा शिकार है। यह सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? इसने हमारे तीन साथियों को मार डाला। राम साधे, तेरी ये मजाक? किस्मत अच्छी थी कि तुम यहाँ नहीं थे, वरना सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म कर देता। हाँ, गोली मार दो। नहीं, इतनी आसानी से नहीं।
इस हरामजादे को तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इसे जंगल में आजाद छोड़ दिया जाएगा। ये जानवरों की तरह आगे आगे भागेगा और हम लोग इसका शिकार करेंगे। इतने संदिल नहीं जितना तुम समझते हो। हम तुम्हें जीने का एक मौका और देंगे। तुम हमारी सरहद तक बड़ी आसानी से जा सकते हो। हमारा कोई आदमी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन हमारी सरहद पार करने के बाद हमारे आदमी तुम्हारा शिकार करेंगे। अगर तुम बच गए तो तुम्हारी तकदीर, वरना तुम्हारी मौत का हमें कोई अफसोस नहीं होगा। Thank you.
रुक क्यों गए? चलाओ गोली, मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। जिंदगी मौत से गले मिलकर कैसे वापस लौट आती है, ये भी आज देख लो। क्या मतलब? इससे पहले कि वो लोग यहां पहुंचे, इस पहाड़ी के नीचे जो गुफा है, तुम जल्दी से जाकर उसमें छुप जाओ। तुम्हारा एहसान मुझ पर कर्ज रहा, अगर जिंदा रहा तो जरूर चुकाऊंगा। जल्दी भाग जाओ। तुम लोगों की पकड़ से बहुत दूर। क्या मतलब? मैंने उसे गोली मार दी, वो देखो। डोंट वेस्ट योर मैन पावर माय बॉयज। धनराज का पता चल गया। व्हाट? कहाँ है? धनराज ने आइलैंड खरीद लिया है। यानी कि जजीरा? हाँ, हमारे पैसों की मदद से वो वहां के जंगलियों का राजा बन गया है। बड़ी शान शौकत से रहता है, चारों तरफ उसने अपने आदमी फैला रखे हैं और बाहर से वहां कोई आदमी घुस नहीं सकता। तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे? ये सोचना मेरा काम है। साथियों, ये साल हमारी जबरदस्त कामयाबी का साल है। पिछले दो सालों में हमने जो मुनाफा कमाया था, इस एक साल का मुनाफा उससे कहीं ज्यादा है। इस कामयाबी के जश्न को मनाने के लिए हमारे कैप्टन ने दुनिया के कोने कोने से हमारे लिए रंगीनियां जमा की हैं। कैप्टन, आपके सामने आ रहे हैं आवाज की दुनिया का जादूगर, सुरों के शहंशाह और कव्वाली के बादशाह, हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल दिले नादान और पार्टी। आदावर भाई, अरे आदावर भाई। दुल्हन को ले गया यार, दगा दे गया दुल्हन को ले गया, छोड़ गया साथ आगे आगे दूल्हा है पीछे थोड़ों की बारात। आगे आगे दूल्हा है पीछे थोड़ों की बारात। याद दगा दे गया दुल्हन को ले गया, यार दगा दे गया दुल्हन को ले गया, छोड़ गया साथ आगे आगे दूल्हा है पीछे चोरों की बारात। आगे आगे दूल्हा है पीछे चोरों की बारात। आगे आगे दूल्हा पीछे चोरों की बारात। आगे आगे दूल्हा पीछे चोरों की बारात। हर गली में ढूंढते हर गली से पूछते, मिल गया कोई निशान हम चले आए यहाँ। हर गली में ढूंढते हर गली से पूछते, मिल गया कोई निशान हम चले आए यहाँ। तो दूर थी मंजिल बड़ी, राह थी मुश्किल बड़ी, गिरते संभलते रहे हम मगर चलते रहे। हमें इतना पता था हमें हम रहे
हो या कल मगर अरे होगी मुलाकात आगे आगे चूल्हा पीछे जोरों की बारात आगे चूल्हा पीछे जोरों की बारात यार दगा दे गया दुल्हन को ले गया यार दगा दे गया वादे सभी तोड़ के अपना शहर छोड़ के वो बसा परदेश में एक नए देश में हमने बिछोड़ा वतन बांध के सर पे कफन वो नहीं या हम नहीं हम किसी से कम नहीं हम किसी से कम नहीं देखिए सुनिए जनाब क्या तबीयत है खराब किस लिए ये बेरुखी बात नहीं आपकी अरे लोगों की है बात आगे आगे दुल्हा है पीछे चोरों की बारात आगे आगे दुल्हा है पीछे चोरों की बारात तो यार दगा दे गया दुल्हन को ले गया यार दगा दे गया बेवफा वो है तो क्या हम तो नहीं बेवफा बेवफा वो है तो क्या हम तो नहीं बेवफा हम पुरानी दोस्ती तोड़ते कैसे अजी हम पुरानी दोस्ती तोड़ते कैसे अजी जान देंगे साथ हम हमने खाई थी कसम ऐ बेवफा वो है तो क्या हम तो नहीं बेवफा बेवफा वो है तो क्या हम तो नहीं बेवफा ये सितम हो किस लिए वो अकेला क्यों दिए मुझिए किस तरह होगी भला फूल से खुशबू जुदा किस तरह होगी भला फूल से खुशबू जुदा आज का दिन खास है दूर थी अब पास है वो मिलन की रात आगे आगे दुल्हा है पीछे चोरों की बारात आगे आगे दुल्हा है पीछे चोरों की बारात ओ यार दगा दे गया दुल्हन को ले गया यार दगा दे गया दुल्हन को ले गया ओ यार दगा दे गया दुल्हन को ले गया ओ यार दगा दे गया गुरु बिल्कुल तुम्हारे प्लान के मुताबिक पुंगी लेकर मैं इन लोगों में घुस गया और जान हथेली पे लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ अब देर इस बात की है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए और दुश्मन धोखा खाए पहले गुरु हुकुम सुनाए अबे सुनाऊंगा उल्लू बाद में सुनाऊंगा पहले जरा संभल कर रहना समझा मामला कुछ खतरनाक लगता है कहीं कोई गधापंथी मत कर देना अरे गधापंती भी करूंगा तो ऐसी दुलत्ती झाड़ूंगा कि पांचों को चारों खाने चित कर दूंगा मगर हीरे का हीरे मिल जाएंगे लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समझ गया अंजू के इश्क में टाइम बर्बाद कर दिया ना अरे खान साहब किसने वक्त बर्बाद किया सबने वक्त बर्बाद किया है जरा इनको देखिए इनके हाथ को देखिए पतली पतली उंगलियां मजनू की पसलियां अम आपके हाथ में तो रागनियां मचल रही हैं आपके हाथ में तो तंबूरा होना चाहिए था सितार होना चाहिए था ढोला तबलक हारमोनियम सारंगी होनी चाहिए थी और आपको यहाँ नहीं बल्कि किसी कोठे में होना चाहिए था
मेरा मतलब यह है कि आपको किसी जंगल में होना चाहिए था, लंबे लंबे दरख्त के नीचे, लंबा लंबा लेक के, आपको अलाप गाना चाहिए था। पहला अलाप फलाप होता, दूसरा अलाप मिलाप होता, तीसरा अलाप जाप होता के चरणों में, यही आपका जाप होता। क्या होता? चरणों में आवाज गई रे। हाँ भाई कैप्टन, इतना इतना पुंगी वाले बाबा की बात में दम लगता है, मुठ रख और अमल कर। मुठ रख, सारंगी बजा। अरे भाई अंधे हो क्या? अंधा तू, अंधा तुम्हारा बाप। चला मुनु, चला वहां। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नाइस मॉर्निंग, फाइन मॉर्निंग, वेरी ब्रिलियंट मॉर्निंग। व्हाट मॉर्निंग? बाबा सूरदास देख रहे हैं और आप देख नहीं पा रहे? वेस्टिंग योर मैन पावर। एक बात बताइए, इतने सवेरे सवेरे बाबा सूरदास जी को लेकर कहां जा रहे हैं आप? भिक्षाटन के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम तो अपना रूम तलाश कर रहे हैं। रूम तलाश कर रहे हैं? या अपनी मौत? मौत का मतलब? मतलब ये कि इस महल के पहरेदारों के अलावा मौत के भेस में शिकारी कुत्ते भी घूम रहे हैं, जो भौंकते कम है काटते ज्यादा है। इसके पहले कि वो शिकारी कुत्ते आपको नोच कर आपके चित्र चित्र करा ले, आप पतली गली से निकल लीजिए। निकल लो, निकल लो। अरे भाई जरा इस सूरदास का भी तो सोचो। अबे ओ उल्लू के पट्टे बाबा सूरदास, ये नाटक बंद कर और होश कर, निकल पतली गली। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अरे मैं भी आ रहा हूँ, मुझे कहा चोर चले। लगता है धनराज का कमरा यही है। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे इस रिवॉल्वर की बड़ी ही सख्त जरूरत थी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, यहां से निकलने की कोशिश मत करना, वरना यहाँ के गार्ड जल्लाद का रूप धारण करके गोलियों से भून डालेंगे, कीमा बना डालेंगे आपका, समझ गए? और एक बात ख्याल रहे, जिस इरादे से तुम लोग यहां आए हो वो पूरा नहीं होगा जब तक कि हम यहां मौजूद। गुड बाय नॉटी बॉयज। हेलो बॉयज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल आपने हमें सोने भी नहीं दिया। चलो अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। सुनो, कल रात शेखर ने हमारी एक नहीं चलने दी, लेकिन मुझे पता चला है कि धनराज हर रोज सुबह इस रास्ते से शहर के लिए आता है, उसके साथ कोई गार्ड नहीं होता, वो जैसे आए वो यूज योर मैन पावर, दैट्स ऑल। वो आ गया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हम आइए, सुबह सुबह क्या हो रहा है भाई? आदाब को बजा के लाता हूँ। क्या है हुजूर कि सुबह सुबह प्याज खा के रियाज कर रहा हूँ? अजी इनका मतलब ये है कि अगर ये लोग ज्यादा दिन तक यहाँ रह गए तो इन सबों की आवाज और सांस दोनों को जंग लग जाएगा। पहनी वाले बाबा बजा फरमाते हैं। अच्छा? हाँ हुजूर, देखिए ना, पंचम उंगली रखता हूँ तो कल्याण जी बोलने लगते हैं, और जनाब आरडी का नोट लगाता हूँ तो एलपी बोल उठते हैं। हुजूर, इससे पहले कि सारे सुर बंद हो जाए, हमको इनाम इकराम देके यहाँ से रवाना कीजिए सबको। वाह वाह वाह, इसका मतलब यह है कि पुंगी वाले बाबा की बात माननी ही पड़ेगी। अरे भाई ऐसा करते हैं कि आज ही तुम लोगों के जाने का इंतजाम कर देते हैं, हम नहीं चाहते कि दुनिया के दूसरे आदमी तुम्हारे फन से महरूम रहे। आओ चेक कराओ। क्या आजादी दी है पुंगी को? इधर लाओ, इधर लाओ। अरे पुंगी वालों ने पकड़ लिया, हमारे छुट्टी करवाना चाहता है। डैम यू, साले ने बेवकूफ की शराब बजा के सारा काम ही चौपट कर दिया। ये पीटा कैसे ले बोला साला, शराब पी लिए तुम तो लोग, क्यों भी दौड़ाते हो? अरे भाग गया, भाग गया। अंकल मैं कहता हूँ जब तक शेखर जिंदा रहेगा हम लोग धनराज तक नहीं पहुँच सकेंगे। हराश करना मांगता है इसको। ठीक है, ठीक है, शेखर अब हमारे लिए दीवार बनता चला जा रहा है।
और इसे अब हटाना ही पड़ेगा। विषम पितामह जी, रास्ता छोड़ दीजिए। शेखर, तुम अपना रास्ता बदल लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छे बुरे की कोशिश तो तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन इस वक्त हमारी जरा सी जुबान खोलने पर अंजू को पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्यार नाटक है, और इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? तुम गोली से उड़ा दिए जाओगे। और तुमने कभी अपना अंजाम भी सोचा है, नकली कव्वाल? यू आर वेस्टिंग योर मैन पावर माय डियर बॉय। अगर हम नकली हैं तो तुम कौन सा असली हो? अगर हम हीरो के पीछे हैं तो तुम्हें भी तो उन्हीं की तलाश है। सुनो, हम लोगों की जिंदगियां यहाँ एक कच्चे धागे से बंधी हैं, किसी के भी जोर करने पर धागा टूट जाएगा। हम लोगों की मंजिल एक है, रास्ता एक है, क्यों ना हम सब मिलकर धागे को और मजबूत बना लें? हीरे मिलने पर हम आपस में बांट लेंगे, कहो मंजूर है? शिकार दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। That's it. अंजू, तुम इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुला के तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊं? क्यों, किया क्या मैंने? दौलत की लालच में आके तुम मेरे दिल से खेलते रहे, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है तुमने। अंजू, ये गलत है। ये गलत सच है, मैंने अपने कानों से सुना है। जो सुना है तुमने वो गलत सुना है। अंजू, तुम्हारी कसम, अगर जिंदगी में आज तक मैंने किसी से प्यार किया तो सिर्फ तुमसे किया। नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरी दौलत से प्यार है, और उसके लिए तुम मुझे आज तक बेवकूफ बनाते रहे, और अब तुम मेरे डैडी के पांच दुश्मनों के साथ भी मिल गए। मेरे पांच दुश्मन? कौन है वो मेरे पांच दुश्मन? वही जो कवाल बनकर यहाँ आए हैं। गार्ड्स, कैप्टन, इन गार्ड से कहो कि उन पांचों कबालों को ढूंढकर यहाँ ले आएं। ओके, फॉलो मी। हीरा, धनराज तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। अगर हम मिल जाएं, तो उसका मुकाबला कर सकते हैं। कैसे? हमारा दिमाग और तुम्हारे आदमी। क्या तुम हमें बंदूकें और गोलियां मंगवा कर दे सकते हो? ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो मंगवा देंगे। ठीक है, जिस दिन तुम हमें बंदूकें मंगवा कर दोगे, उस दिन हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। कुछ बताया उसने? नहीं, बहुत कोशिश की लेकिन जबान नहीं खोली। खोलेगा कैसे? नहीं, उसे और मारो। गिव हिम ऑल द ट्रीटमेंट। उन पांचों का पता लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी खामोश रहा तो? फिर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। कैसे आजाद हो गया वो? तुम में से ही किसी ने हमारे साथ गद्दारी की। कौन है वो बताओ, नहीं तो एक एक को जिंदा जला दूंगा। तुम तो हमारे बहुत पुराने साथी हो ना, बताओ कौन है वो? कैप्टन, गोली मार दो इसे। नहीं मास्टर, नहीं मास्टर, मुझे मत मारो मास्टर, मुझे मत मारो मास्टर, मैं कुछ नहीं जानता मास्टर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मत मारो मास्टर, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता मास्टर, मुझे मत मारो। ठहरो, मत मारो इसे, कुछ नहीं मानो। इनमें से किसी ने भी शेखर को आजाद करने में मेरी मदद नहीं की। व्हाट, तुमने उसे आजाद किया? हाँ मैंने। तुमने? मेरी अपनी औलाद होकर, मेरा अपना खून होकर तुमने मेरे साथ धोखा किया? मैंने आपको जुर्म करने से बचाया है डैडी। अगर वो यहाँ आपकी कैद में रह जाता तो आप उसे जरूर जान से मार डालते। हाँ हाँ, मैं उसे मार डालता, क्योंकि वो एक चोर था। एक चोर को इतनी सख्त सजा? ऐसी सजा तो कानून खूनी को भी नहीं देता। लेकिन ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि वो एक धोखेबाज था, रूप बदल कर यहाँ आया था। उसने हम सबको धोखा दिया, और सबसे बढ़कर तुम्हें। मुझे धोखा दिया, ये मेरी तकदीर, लेकिन आपको कानून अपने हाथों में लेने का कोई हक नहीं। अंजू, अब तुम मुझे सिखाओगी ये सारी बातें? ये कैसी जगह है, ये कैसी जिंदगी है?
जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ जुल्म खून खराबा मारपीट यही सब नजर आ रहा है। ये अब कहाँ ले आए मुझे डैडी? तुम नहीं जानती हो अंजू, वो बेईमान उन पांचों से मिला हुआ है। लेकिन वो पांचों कौन है? वो आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बोलिए क्या दुश्मनी है उन लोगों को आपसे? आप बदल गए डैडी, आप पहले जैसे नहीं रहे, वरना ये लोग जो जानवर से भी बदतर है आपके साथ क्यों होते? अंजू ये बातें तुम नहीं समझोगे, जाओ यहाँ से अपने कमरे में जाओ। जब तक मैं तुम्हारे वापस जाने का इंतजाम नहीं कर दूं तुम वहां से कहीं नहीं जाओगी। आई एम सॉरी, पता नहीं ये गुस्से में क्या क्या कह देंगे, उसका ख्याल न करो। ये डो मरे कैप्टन, शेखर की तलाश करो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। खुर्दा पहले से जान बचा के भाग आए तुम लोगों की वजह से। पासवान पिछाओ ठंडा विथ प्लेजर। तुम्हारे मरने के बाद बहुत दुख होगा हमें। तड़ान पिछा। मेरे इलाके में कोई मेरे दोस्त पर हाथ नहीं उठा सकता। नहीं 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 सरदार, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसने हमारे सारे प्लान चौपट कर दिए हैं, ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन तुम्हारा होगा, हमारा नहीं। सुनो, धनराज के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, तुम ये जजीरा छोड़ दो। यहां से एक मील दूर समुद्र के किनारे एक नाव खड़ी है, उसमें बैठकर तुम आज निकल जाओ। यहां रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। खतरों से खेलने की तो मुझे आदत हो गई है, मगर जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो हीरा वो बहुत ही खतरनाक है। कौन सा रास्ता? इन पांचों की दोस्ती का। ये किसी के दोस्त नहीं रह सकते हीरा, धोखेबाजी इनका ईमान है, कमीनापन इनका फर्ज है, गद्दारी इनकी मोहब्बत है। ये अपने फायदे के लिए किसी की कब्र खोद सकते हैं। भौंक मत कुत्ते। हीरा अभी भी वक्त है, समझ जा। अगर ये हमें धोखा देंगे तो इनकी जिंदगी इन्हें धोखा दे जाएगी। ठीक है, मैं जो कुछ भी इनके बारे में जानता था तुम्हें बता दिया, आगे तुम जानो। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे यानी कि तुम नहीं जा रहे हो? अभी नहीं हीरा, अभी कुछ खतरों से और खेल लूं, फिर तुमसे मिलके जाऊंगा भाई। देखो सरदार, तुम इसकी बातों में ना आना, ये बड़ा झूठे किस्म का इंसान है और हम हैं अपने धंधे में एकदम सच्चे और एकदम खरे। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, वक्त बताएगा। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मैं किसी की कैदी नहीं हूँ। तुम्हारे डैडी का हुक्म है, तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं जाऊंगी और देख के मुझे कौन रुकता है। राज की बेटी। तो यहाँ क्यों लाए हो? अपने सच्चाई के सबूत देने, ताकि तुम और तुम्हारे आदमी हमारे साथ मिलकर धनराज का मुकाबला कर सकें। हमने तुमसे बंदूकें मांगी थी, किसी की बहू बेटी नहीं, और हम इतने बुजदिल नहीं
कि औरत को ढाल बनाकर अपने लड़ाई लड़े। लेकिन हीरा हमारा कानून है, मौत का बदला मौत। उन्हें निशा खून बनाया था, हम इसका खून देवता के सामने बहाएंगे, इसकी बलि चढ़ाएंगे। नहीं, शेरा ठीक कह रहा है, हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन ये सब रस्म रिवाज पुराने हैं। हम पुराने हैं, हमारा कबीला पुराना है, हमारे कानून पुराने हैं, और कोई भी हमारे बुजुर्गों के कानून को नहीं तोड़ सकता, चाहे वो सरदार का बेटा ही क्यों ना हो। कैप्टन, अंजू वापस आई? अंजू तो नहीं आई, लेकिन उसका घोड़ा वापस आया है, और घोड़े की जीन पर जंगली लोगों का यह तीर लगा हुआ था। तो ये काम उन जंगलियों का है, हमने हमेशा उनके साथ रहम का सलूक किया, और ये हरामजादे हमारी ही लड़की को उड़ा कर ले गए। कैप्टन, तुम अपने तमाम आदमियों को साथ ले जाओ और एक एक जंगली का घर जला दो, तमाम कौम को तबाह बर्बाद कर दो। Thank you.
एहसान मुझ पर एक कर्ज था जो मैंने चुका दिया। अब यहां किसे आए? तुम्हें सिर्फ यह याद दिलाने कि तुम इस बस्ती के बाकी लोगों की तरह जाहिल नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे आदमी हो। उन पांचों के बहकावे में आकर तुम एक मासूम और बेगुनाह लड़की के खून से अपने हाथ नहीं रख सकते। और जो हमारे बस्ती के मासूमों का खून बहाएगा उनका क्या? जिनकी जिंदगियां छीन कर मौत के घाट उतार दिया उनका क्या? कौन हिसाब देगा उसका? एक बेगुनाह से हिसाब मांगते हो। जुर्म बाप ने किया, सजा बेटी को देना। अगर हिम्मत है तो जाकर उससे मुकाबला करो, और अगर उससे लड़ने की ताकत ना हो तो एक बेगुनाह का खून बहाकर अपनी बुजदिली का ऐलान मत करो। खोल दो उसे। नहीं, इसे हम किसी भी हालत में यहां से नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ, नहीं जाने देंगे। बदला चाहिए हमें बदला, खून का बदला खून। मार डालो इसे। जब तक मैं जिंदा हूं इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मुझसे करे मुकाबला। तुम हमारी बस्ती में आकर हमारे बीच खड़े होकर हमारी ही बहादुरी को ललकार रहे हो। जो औरतों पे हाथ उठाते हैं वो बहादुर नहीं बल्कि बुज़दिल होते हैं। ये यकीनन कायरों की बस्ती है, जुल्म सहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यहाँ के मर्दों को चाहिए कि हाथ से हथियार फेंक के चूड़ियां पहन लें। खामोश। हीरा के हाथ वक्त में बांध रखे हैं, डर कर चूड़ियां नहीं पहन रखी। और तुम जैसों की जुबान बंद करने के लिए अभी इनमें बहुत ताकत है। साथियों, जिस आदमी को मैं अपना दोस्त समझता था आज उसने हमारे कौम और कबीले की बेइज्जती की है और हमारी बहादुरी को ललकारा है। हीरा अपनी बेइज्जती सह सकता है लेकिन अपने कबीले की नहीं। इस बात का फैसला होगा आज और अभी। मंजूर है, अगर जीत मेरी हुई तो अंजू को आजाद कर दिया जाएगा, और अगर हार हुई तो अंजू के साथ साथ मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। तो जो जी मैं हथियार उठा लो। दुश्मन आ रहे हैं, किले की तरफ से बहुत से सिपाही बंदूकें लेकर इस तरफ आ रहे हैं। तुम्हारा मुकाबला हम पर उतार रहा है। लड़ाई की तैयारी करो। रुक जाओ। किस चीज से मुकाबला करोगे? तीरों से, तलवारों से? उनके पास बंदूकें हैं, तोपे हैं, मशीन गन हैं। मिनटों के अंदर तुम्हारी लाशों के ढेर लग जाएंगे। तुम चाहते हो कि हम बुजदिलों की तरफ भाग जाएं? नहीं, बहुत भाग चुके, अब या जाएंगे या मरेंगे। हीरा, जिद ना करो, जिद ना करो हीरा। समझने की कोशिश करो, कोई नहीं बचेगा, सब मार दिए जाएंगे, सबों का खून तुम्हारे सर होगा। बेहतर इसी में है कि निकल लो, अपने लिए नहीं तो अपनी कौम के लिए। हीरा, गांव खाली करो। चलो। राजा धनराज। हाँ।
तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? आपकी मोहब्बत खींच लाई। कहीं वो पांचों कव्वाल तुम ही लोग तो नहीं हो? ठीक पहचाना तुमने धनराज। अरे अपने दोस्तों को कैसे भूल सकता हूँ। डोंट फेस योर मैन पावर। मैं तो समझा था कि शायद तुम यहाँ से बच निकले, लेकिन लगता है कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ फिर खींच लाई है। हमारी मौत नहीं धनराज, तुम्हारी। अगर तुमने हमारे हीरे नहीं दिए तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तुम समझते हो कि उसके बाद तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे? अब धनराज, आज तक मैंने अपने इन साथियों को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा है। अगर तुमने हीरे नहीं लौटाए तो ये लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है धनराज, जल्दी फैसला करो। पर अगर मैंने तुम्हारे हीरे लौटा दिए तो? हाँ तो फिर क्या है, सारी दुश्मनी खत्म और हम लोग इस बार यहाँ से सचमुच चले जाएंगे। रमेश ठीक है, आओ मेरे साथ। लेट्स गो, कम ऑन बॉयज, कम ऑन। होशियार हो गया धनराज। पैसा आता है तो गधे को भी अक्कल आ जाती है अंकल। हमारे पैसे पे होशियारी दिखाता है। जल्दी जल्दी। मोती की तरह सब मारे जाएंगे, कुछ करो यार। घबराओ नहीं, इस धोखेबाज को रास्ते पे लाने के लिए मेरे पास एक चाल और है। क्या क्या क्या? धनराज मुझे मालूम है तुम्हारी बेटी कहाँ है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर हम मारे गए तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत, तुम्हारी बेटी का लॉकेट। हाँ, ये तो अंजू का लॉकेट है। कहाँ है मेरी बेटी? हीरा के कब्जे में, और अगर हम लोगों ने पहुंचने में देर की वो लोग उसे जिंदा जला डालेंगे। मगर मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? धोखा देना सिर्फ तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। हमारी दुश्मनी तुमसे है, वो भी सिर्फ हीरों के लिए। उस मासूम बच्ची ने भला हमारा क्या बिगाड़ा है, जरा सोचो तो सही। उफ़, जल्दी फैसला करो कुछ भी। अगर मुझे गोली मार दोगे तो जिंदगी भर यहीं सड़ते रहोगे, बाहर कौन ले जाएगा तुम्हें? चलो जल्दी हीरे जवाहर के बक्से उठाओ। चलो चलो, कमान कमान, बी क्विक। लगता है मुर्दे में फिर से जान पड़ गई। अंकल हम लोग फिर से अमीर हो गए। बकवास बंद, बकवास बंद। धनराज यहाँ से निकलने को रास्ता बतलाओ, जल्दी करो नहीं तो अंजू और कबीले वाले मार डालेंगे। नहीं, ऐसा मत करो, इस अलमारी के पीछे से बाहर जाने का रास्ता है। अच्छा है, जा मनु, जा जाकर देखो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ है रास्ता। आज पहली बार धनराज ने अपना वादा निभाया है। पीटर गार्टन डाउन। अपनी अपनी पिस्तौलें फेंक दो और हाथ ऊपर करो। मैंने कहा ना अपनी अपनी पिस्तौलें नीचे गिरा दो, वरना पिस्तौल के साथ साथ तुम लोगों को भी नीचे गिरा दूंगा। अरे अरे गिराने ढाने का किस्सा छोड़ो बरखुरदार, अपना हिस्सा लो और रास्ता पकड़ो यहाँ से। लालच ने तो तुम्हारी आंखें पहले ही बंद कर रखी थी, अब हीरो को देखकर तुम्हारे दिमाग पे भी पर्दा पड़ गया है। अब भी नहीं समझे कि असलियत क्या है? असलियत तो ये करोड़ों के हीरे हैं शेखर, जिनके पीछे तुम भी थे और हम भी हैं। और असलियत ये भी है
कि इतना बड़ा माल तुम अकेले हजम नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी मदद लेनी ही पड़ेगी। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ दूसरे साथी भी हैं। और साथी और कौन? सच्चाई, इंसाफ और कानून। क्या बकते हो? खामोश, हकीकत कह रहा हूं। जिसे आज तक तुम लोग एक मामूली चोर अपने जैसा फरेबी और मक्कार समझते रहे, वो दरअसल में सीबीआई ऑफिसर शेखर है। इंस्पेक्टर, अब तुम भी यहां से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर शेखर, तुम हमें गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी ने तुम्हें खुद गिरफ्तार कर दिया। अब तुम यहाँ घुट घुट कर मर जाओगे और कानून का इसका कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ के कबीले वालों ने हमला कर दिया है और हमारे कई साथियों को मार डाला। क्या? रुक जाओ, पूरा गिरी बनना, ये हमारे ही हैं, तुम्हारे ऊपर गिरे हैं, तुम्हारे ऊपर गिरे हैं। क्या हुआ सस्पेक्ट? उसे मैंने नीचे टॉर्चर रूम में बंद कर दिया है, थोड़ी देर में पानी में फूली उसकी लाश नजर आएगी। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? कबीले वालों ने हम पर हमला कर दिया, यहाँ रहना कतरे से खाली नहीं है। इन हीरो को बचा लो और निकल चलो यहाँ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना भून कर रख दूंगा। गार्ड्स, बस उठाओ, कोई भी हिला तो जान से हाथों बैठेगा। कम ऑन, हरी अप, हरी अप, हरी अप। कैप्टन रेडी? रेडी। अरे धनराज, ओ लुटेरे, फिर धोखा दे गया तू। आई से डोंट वेस्ट योर मैन पावर, कम ऑन, कम इट नहीं। मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक में दबाया है, बिजली में दबाया है। अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा उस्ताद। अच्छा, वहां पे है, वहां पे है। काम नहीं चला। अरे यहाँ कुछ घूमने वाली चीज है जिसे दरवाजा खोलेगा। फिरकी है, फिरकी, तुझे फिरा के रख दूंगा। अरे अभी तो नहीं खुला, नीचे एक फिरका और है। अरे फिर के ले जा। अरे
जल्दी चलो, जल्दी चलो। कमान कमान नाश्ता डकास। जंगली कभी भी आ सकते हैं कैप्टन, ये बक्से बोट में रखवाओ और निकल चलो। जरूर निकल चलेंगे धनराज, लेकिन सिर्फ मैं, ये बक्से और कौन? और तुम्हारी ये खूबसूरत बेटी। शट अप कैप्टन, कार। चिल्लाओ मत धनराज, ये सब आदि मेरे हैं और इन पर मेरा हुक्म चलता है। कमीने जलील गद्दार। गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम हो जिसने अपने आदमियों को धोखा दिया। तुमने उन्हें धोखा दिया, आज खुद धोखा खा गए। धनराज ये तो एक खेल है, जिसका दांव लगा वो बाजी जीत गया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें उन जंगली लोगों के लिए छोड़ दूंगा जो तुम्हारी बोटी बोटी करके तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेंगे। टर्ट्स पर से उठाओ। इसे गोली मार दूंगा। अपनी अपनी बंदूकें पानी में फेंक दो। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ कैप्टन। इंस्पेक्टर, तुम्हारे और मेरे सिवाय इन हीरों के बारे में कोई नहीं जानता, क्यों ना आजादा बांट लें? कैप्टन शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि दुनिया में ईमानदारी नाम की भी कोई चीज है। रुपया सबसे बड़ा ईमान होता है इंस्पेक्टर,
इससे सारी दुनिया जीती जा सकती है। अगर रुपया ही सबसे बड़ा ईमान होता तो दुनिया कब की तुम जैसों के हाथों बिक चुकी होती। लेकिन आज भी सच्चाई, इंसाफ और फर्ज ने यह दुनिया बचा रखी है। ये सिर्फ बातें हैं इंस्पेक्टर, जो बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जिंदगी की हकीकत नहीं। अगर ये हकीकत नहीं होती तो ब्रॉल तुम्हारे मैं एक मामूली इंस्पेक्टर अपने वतन से हजारों मील दूर, फर्ज के रास्ते पे खड़ा तुम्हारे करोड़ों की लालच को ठुकराता हुआ तुम्हें फांसी के तख्ते तक घसीटता हुआ ले जाने के लिए नहीं आता। शेखर! कैप्टन, है कैप्टन, डोंट वेस्ट योर मैन पावर। देखो, हम तुम आपस में खजाना बांट लेंगे। इस इंस्पेक्टर को कबाब में हड्डी की तरह निकाल के बाहर फेंक दो। पुट हिज कैप्टन डाउन। ओके। दोस्त, मेरे कबीले वालों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। हीरा, तुम इस कबीले का सरदार हो। इन कबीले वालों को ईमानदारी और बहादुरी के साथ जीना सिखाओ। तुम पढ़ लिखो, तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आज से टापू तुम्हारा है। अच्छा हीरा। अच्छा दोस्त, नमस्कार। All the best. Ready?
लेके चल दिए और मुझे अकेले यहाँ छोड़ गए। वो यार दगा दे गया सुलहन को ले गया, यार दगा दे गया सुलहन को ले गया।